आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एक अमेजोन सेलर हैं और अगर आप कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो कैसे बेचेंगे। आज के इस वीडियो में आपको पूरी इसकी प्रोसेस बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे हासिल करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हमें अमेजोन का अकाउंट खोल लेंगे, डैशबोर्ड खोल लेंगे, फिर तीन आपको लाइनें दिख रही हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको कैटलॉग पे आना है और ऐड प्रोडक्ट्स पे आना है। अब देखिए, आपको अगर कोई भी कॉस्मेटिक बेचना है या जो भी बोलते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना है तो आपको उसके लिए क्या करना है, या तो आप सीधा यहाँ पे सर्च पर प्रोडक्ट का नाम डालेंगे या फिर अगर आपके पास ASIN नंबर है तो वो डालेंगे, मतलब जो भी आपके पास है। सबसे आसान तरीका तो उसमें ये होता है कि अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लें यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा ऐसी चीज़ को सर्च करता हूँ जो समझने में थोड़ा आसान हो, जैसे कि फाउंडेशन करता हूँ मैं, लैक्मे की फाउंडेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैक्मे सनस्क्रीन, चलो सनस्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए मैं लैक्मे का सनस्क्रीन जब टाइप किया यहाँ पे तो इस तरीके का आ गया। मैंने ज़्यादा स्पेसिफिकली इसको टाइप नहीं किया क्योंकि लैक्मे का एक ही सनस्क्रीन आता है, येलो वाला ही आता है। ठीक है ना, लैक्मे सन एक्सपर्ट वाला। तो अब ये सनस्क्रीन है, मुझे इसको सेल करना है, तो मैं इसको कैसे सेल करूँगा। देखिए बड़ा ही आसान है, सबसे पहले तो हमें वेरिएंट चुनना है, हमें 100 ग्राम वाला बेचना है कि हमें 50 ml वाला बेचना है, कौन सा वाला मॉडल बेचना है। उदाहरण के तौर पे मुझे पहला वाला ही बेचना है तो मैं यहाँ शो वेरिएशंस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और या लैक्मे सन एक्सपर्ट टिंटेड क्रीम, जो मतलब इसका पूरा नाम है जो, और 100 ml वाला है, तो यहाँ पर मैं कंडीशन चुनूंगा न्यू, न्यू ही कंडीशन चुननी है आपको। और इसके बाद आप यहाँ पर दबाएंगे अप्लाई टू सेल। ठीक है, इस तरीके का आपका कोई भी प्रोडक्ट होगा उसमें अगर शो वेरिएशंस लिखाता है तो अप्लाई टू सेल ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से अपना आप प्रोडक्ट चुन लेंगे आपको क्या बेचना है। अब इसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई भी कॉस्मेटिक बेचनी है, किसी भी ब्रांड की बेचनी है, तो ये कहना है आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप कंडीशन जो चुनेंगे अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट की वो सिर्फ न्यू ही चुन सकते हैं, यूज रिफर्श वगैरह आपको सेल नहीं करने देंगे। ठीक है, खैर ये तो खैर बताने वाली एक बात है, बस वो तो पता ही होगा आपको, नया ही बेचते हैं। रिक्वेस्ट अप्रूवल दबाएंगे, जब रिक्वेस्ट अप्रूवल दबाएंगे तो आपके पास ना ऑप्शन है ये कि आप क्या हैं, रीसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, क्या है आपको। देखिए आप पूरे ईमानदारी से डालना है, जाहिर सी बात है लैक्मे के मैन्युफैक्चरर तो नहीं होंगे और बोध भी नहीं होंगे, तो आपको रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर चुनना है। ठीक है ना, ना आपको मैन्युफैक्चरर चुनना है ना बोध चुनना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर चुनते हैं तो आपसे इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को उम्मीद करी जाएगी, तो आपको ये चालाकी नहीं चलनी है, आपको रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर चुनना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें चाहिए होगा ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, या फिर उस ब्रांड ऑथराइजेशन को हम इनवॉइस भी बोल सकते हैं। लेकिन जो इनवॉइस होगा इसके कुछ क्राइटेरियाज होंगे, और ये इनवॉइस हमें कहाँ से मिलेगा ये हम बताते हैं। देखिए इनवॉइस का इन्होंने ही बताया है कि जो सबसे पहले तो जो इन्वॉइस होगा या तो आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मिल सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकता है। अब देखिए मैन्युफैक्चरर से तो कैसे मिल सकता है कि आप इनकी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट पे जाएं, जो कि इतना आसान नहीं है। ठीक है, या उनकी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट करें, अगर वहाँ से मिल जाता है तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर इन्वॉइस तो ठीक, नहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर पर जाएंगे। हर सिटी में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ठीक है ना, जैसे आप जयपुर में हैं, वहाँ लैक्मे का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, होलसेलर नहीं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, हर शहर में आपको मिल जाएगा। आपको डिस्ट्रीब्यूटर में जाना है और जो उससे आपको एक इन्वॉइस लेना है, जो इन्वॉइस है इस क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले तो विद इन 180 डेज का होना चाहिए डॉक्यूमेंट आज की तारीख से। ठीक है ना, इसमें डॉक्यूमेंट जो होगा इन्वॉइस होगा, इसमें आपका नाम, एड्रेस, एड्रेस वो जो आपके अमेजोन अकाउंट में है आपके सेलिंग अकाउंट से मैच होना चाहिए। ठीक है ना, आपका नाम और एड्रेस जो आपके अमेजोन के सेलिंग अकाउंट में। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट में जाहिर सी बात है जो डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर होगा उसका भी नेम या फिर एड्रेस होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे नाम रखते हैं ना अपना, ये एजेंसी वो एजेंसी जो भी होगा उसका नाम, अपना नाम लिखेगा और एड्रेस भी होगा उस इन्वॉइस में। ठीक है, कम से कम 10 परचेज होनी चाहिए उस इन्वॉइस में। ठीक है, और ये ऑप्शनल है, इसको रहने दें। और ये आखिर में ये बता रहे हैं
कि प्लीज़ नोट, हम वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंटेशन को। जैसे आपने मान लीजिए ये सारे क्राइटेरिया वाला डॉक्यूमेंट इनको प्रोवाइड करा दिया, अपलोड कर दिया कि 180 दिन का कम से कम होना चाहिए, आपका नाम एड्रेस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम एड्रेस होना चाहिए, कम से कम 10 परचेज होने चाहिए, तो ये वेरीफाई करेंगे, ये उससे वेंडर से कॉन्टैक्ट करेंगे, बात करेंगे कि भाई आपने इन्हें दिया है, मतलब ऑथराइज किया है, मतलब एक तरीके से ये देखेंगे कि आपने नकली इनवॉइस वगैरह तो नहीं बनवाया, बस ये वेरीफाई करेंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात आपको और जरूर बताना चाहूँगा कि नकली इनवॉइस नहीं बनवाया, ये होशियारी नहीं करा, आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर देंगे, ठीक है ना। फिर जैसे ही आपको इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से, फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट फाइल दबाएंगे, सेलेक्ट फाइल दबा के यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसका फोटो खींच के PDF फॉर्म में जिसमें भी आपके पास हो, 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ कमेंट अगर आप चाहें ऑप्शनल तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो आप ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर जो है अपलोड कर देंगे, इसके बाद क्या है, कमेंट्स ऑप्शनल, आप कुछ लिखना चाहें तो नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद फोटो ऑफ द प्रोडक्ट या फिर उसकी पैकेजिंग का फोटो, मतलब जैसे आपने सनस्क्रीन बेचना है लैक्मे का, ठीक है ना, तो उस प्रोडक्ट का फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड इमेज नहीं होनी चाहिए उसका, मतलब रियल फ़ोटो होना चाहिए, वो तो आप खींचे लेंगे मोबाइल से, रियल फ़ोटो होना चाहिए, पैकेजिंग विजिबल होनी चाहिए उसकी, ताकि आसानी से पढ़ने में आए, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर, मॉडल का नाम वगैरह नंबर अच्छे से विजिबल होना चाहिए जो आप फ़ोटो खींचेंगे प्रोडक्ट का, ठीक है। और इसमें इंफॉर्मेशन बाकी भी अच्छे से दिखी होनी, लिखी होनी दिखनी चाहिए, मतलब अलग अलग साइड से खींच के फ़ोटोज़ आप यहाँ अपलोड कर देंगे, ठीक है। और कोई कमेंट यहाँ पर भी डालना है तो ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी है। कमेंट में वैसे ये डालते हैं कि ये भाई हमने ये आपको लेटर सबमिट किया है, या अच्छे से चेक कर लें, और ये मैंने प्रोडक्ट का ये सबमिट किया फोटोग्राफ, आप अच्छे से चेक कर लें, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आपको टिक विक लगा के यहाँ पे अपलोड कर देंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और फ़ोन नंबर डालेंगे। वैसे फ़ोन नंबर जो है ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा डालेंगे, और सबमिट दबा देंगे। जैसे आप सबमिट दबा देंगे, आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव किया है कि नहीं किया है। अच्छा, एक बात मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट होगा वो इनके क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, मतलब ये नहीं होनी चाहिए, भले कोई बात नहीं, ठीक है, डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए। और जब प्रोडक्ट का इमेज खींचेंगे वो इनके हिसाब से होनी चाहिए, मतलब उस प्रोडक्ट अच्छे से दिखे, उसमें नाम वाम सब दिखे, उसके इंग्रेडिएंट्स भी वो दिख जाए तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। मतलब ढंग से दिखना चाहिए प्रोडक्ट का फोटो, क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। फिर ये अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स अपलोड करके आप यहाँ सबमिट दबा देंगे, अपना ईमेल एड्रेस और वो डाल के फ़ोन नंबर, तो इस तरीके से आपका ईमेल आ जाएगा कि आपका अप्रूव हो चुका है, फिर आप आराम से भेज सकते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अपने। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।